दोस्तों इस वीडियो में सीखेंगे ड्रॉ टूलबार के बारे में। सबसे लेफ्ट कॉर्नर पे आपको ये दिख रहा होगा ड्रॉ टूलबार। इस टूलबार के अंदर जितने भी कमांड्स हैं, लाइन, पॉलीलाइन, सर्कल, आर्क, रेक्टेंगल, इलिप्स, हैच, ये सारे कमांड्स हम लोग सीखने वाले हैं इस वीडियो में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कमांड है दोस्तों लाइन का। लाइन कमांड का यूज हम करते हैं सिंपल। देखिए, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर बनाना है आपको, 2D ड्राइंग बनानी है, तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल होता है लाइन, सर्कल और रेक्टेंगल का। तो लाइन का जो कमांड होता है वो होता है L, एंटर। आपको सिंपल L प्रेस करना है और एंटर कर देना है। तो लाइन का कमांड एक्टिवेट हो चुका है। अब आपको ये जो नेविगेशंस दिए जाते हैं, देखिए यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा, स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट। आपको फर्स्ट पॉइंट कहीं भी क्लिक करना है और माउस को थोड़ा सा लेफ्ट राइट कहीं भी ले जाएंगे तो देखेंगे एक लाइन एक पॉइंट से फिक्स होके आप जिस साइड भी जा रहे हैं वो जा रहा है और आपको डायमेंशन भी शो कर रहा है। और ये डायमेंशन यूनिट अभी मैंने सेट किया है mm में, जिसको बोलते हैं मिलीमीटर। अब अगर आपको सीधी लाइन बनानी हो तो आपके पास कमांड होता है ऑर्थो मोड का, जो होता है F8। आपको प्रेस करना है F8। अब ये लाइन सीधी रहेगी या तो हॉरिजेंटल, अगर आप वर्टिकल जाना चाहते हैं तो वर्टिकल भी ये लाइन जाएगी। आपको 90° एंगल भी बता रही है, ये मैंने सेट किया हुआ है कि 90 बताएगी। अगर आप F8 हटा देते हैं, वापस से F8 कर देते हैं, ऑर्थोग्राफिक मोड ऑफ हो गया। अब मैं इसको जैसे जैसे डाउन करूंगा लाइन को, आपको एक हॉरिजेंटल लाइन से देखिएगा ये 37°, और जैसे जैसे आप डाउन जा रहे हैं और यहाँ पे आपको 347 mm, ये लेंथ और एंगल ये दोनों शो कर रहा है। ये सब सेटिंग होती है जो यहाँ पे ये टूगल बार होता है ना, यहाँ से सब सेटिंग की जाती है। मैं वो आपको 1x1 बताऊँगा कि कैसे करते हैं यूज़। तो लाइन का जब हमने कमांड लिया तो उस कमांड का नाम है L, एंटर। सिंपल आप यहाँ से भी जाके क्लिक कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट स्पेसिफाई किया मैंने, मुझे सीधी लाइन चाहिए थी, मैंने F8 प्रेस किया, ठीक है, सीधी लाइन हो गई। मैंने डायमेंशन देना है 200 mm मैंने डायमेंशन दे दिया। अभी भी कमांड एक्टिवेट है। अगर आपको एग्जिट होना है तो उसके लिए आपके पास एस्केप है, आप इसको एस्केप कर देंगे। अब अगर आपको चेक करना है कि इसकी डायमेंशन 200 दी थी मैंने, वो है या नहीं है, तो यहाँ एनोटेशन में जाके यहाँ से लाइन में लीनियर सेलेक्ट करना है, एंड आप यहाँ से फर्स्ट पॉइंट एंड सेकंड पॉइंट मेजर करके ऊपर कहीं भी रख सकते हैं, आपको ये डायमेंशन शो हो जाएगा। हालांकि मैंने डायमेंशंस की सेटिंग वगैरह बहुत सारी की हुई हैं, तो इस वजह से वो एक कलर वगैरह ऐसा दिखा रहा है। मैं आपको सब 1x1 बताऊँगा वीडियोज़ में, आप बने रहिए। ये तो हो गया दोस्तों सिंपल लाइन। अब अगर एक वर्टिकल लाइन बनानी थी तो देखेंगे आप, अगर जैसी मैं इसके मिड में जा रहा हूँ, यहाँ स्नैप कर रहा है ट्राइंगल, ये भी होता है सेटिंग, इसको बोलते हैं स्नैपिंग, कि आप मिड पॉइंट पर हैं और आपको शो कर रहा है, ये चुंबक की तरह यहीं चिपक जाएगा, माउस जैसे लाएंगे ना यहीं चिपक जाएगा। सेम आप जब स्टार्ट के कॉर्नर पे जाएंगे, यहाँ भी स्नैप कर रहा है रेक्टेंगल, यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ भी स्नैप कर रहा है। तो ये स्नैपिंग ऑन करनी पड़ती है ड्राइंग को बनाने के लिए, जिसका बहुत हेल्प मिलता है आपको। तो मेक श्योर आप लोग जब भी काम करें तो स्नैपिंग ऑन करके करें। ये वाला जो है ऑर्थो मोड है, जिसको F8 से आप ऑन ऑफ करते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से जाके आप जिस चीज़ को बंद करना चाहते हैं बंद कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी बोला मिड पॉइंट है, अगर आप ये मिड पॉइंट इस पर क्लिक कर देंगे ऑफ हो गया। अब अगर आप लाइन लेंगे L, एंटर, तो आपको मिड पॉइंट चाहिए, आपको वो ट्राइंगल दिखेगा ही नहीं, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ से हमें सब कुछ ऑन करके रखना पड़ता है। ऑलराइट, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि स्नैपिंग होती क्या है। तो लाइन मैंने लिया और इसके सेंटर पे गया, वर्टिकली मुझे जाना है 300 mm प्लस करके मैंने एंटर कर दिया, जूम आउट किया, मैंने एस्केप कर दिया। और इसकी डायमेंशन भी आप यहां से चेक कर सकते हैं, ये 300 mm। ऑलराइट, तो ये मैंने दो लाइनें बनाई। और अगर मैं एक लाइन यहां कॉर्नर पे बना देता हूं, फिर इसको इधर ले आता हूं और यहां पे ऐसे टच करता हूं, तो देखें ऐसे एक ग्रीन कलर की लाइन जो चल रही है ना, वो मुझे बता रही है कि इसी लाइन के ऊपर चलेंगे तभी आपको ये रेक्टेंगल बनाने के लिए जो डायमेंशन है सही रहेगा, ठीक है। देखो मैंने सिंपल यहाँ लाइन ली थी और मैं जा रहा था सीधा, यहाँ जैसी पहुँचा और ये ग्रीन कलर की लाइन आई। अगर ये नहीं आती, थोड़ा बहुत आगे निकल जाते तुम, तो सिंपल आपको यहाँ आना था इस पॉइंट से, फिर जस्ट ऊपर आप अगर जाते, थोड़ा सा इधर उधर होके अगर जाएंगे तो वो लाइन आपको मिल जाएगी। आप यहाँ क्लिक कर दीजिए, फिर आपको डाउन पे क्लिक कर देना है। ये एक रेक्टेंगल बन गया, इसको मैं सेलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ। लाइन देखेंगे तो 1, 2, 3, 4 लाइनें हैं। तो लाइन आपने 4 लाइनें बनाई, चारों अलग अलग आप सेलेक्ट कर सकते हो। इनका जो ये आपको ब्लू कलर का दिख रहा है, इसको बोलते हैं वर्टेक्स। इस वर्टेक्स को आप कहीं भी खींच के ऐसे रख सकते हैं, ठीक है। कंट्रोल जेड से मैंने किया अंडू, कंट्रोल वाई के साथ आप रिडू कर सकते हैं। अगर आप इस बीच वाले ग्रिड को पकड़ेंगे और
साइड में लेके आएंगे तो ये उतना मूव हो जाएगा, ठीक है। कंट्रोल जेड कर दिया मैंने। अब आप अगर देखेंगे तो वन बाय वन आप लाइनों को सेलेक्ट कर सकते हैं, ये होता है लाइन, मैंने इसको डिलीट कर दिया। अब मेरे पास है पॉली लाइन, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये पॉली लाइन है। पॉली लाइन अगर आप लेते हैं, एक लाइन आपने 200 की बनाई, फिर आप डाउन आ जाएं, 200 एंटर, लेफ्ट में 200 एंटर। अब मैं यहाँ से सी एंटर कर दूँ तो ये क्लोज हो जाएगा। एक तो फ़र्क ये है पॉली लाइन में कि जब आपने तीन लाइनें बना दी और चौथी लाइन आपको क्लोज करनी है तो वहाँ तक आपको जाना ही नहीं है, आप सी और एंटर प्रेस कर दीजिए, उसका मीनिंग वो ले लेगा क्लोज, तो ये क्लोज हो जाएगा। दूसरा डिफरेंस क्या है कि पॉली लाइन को आप एक ही बार क्लिक करेंगे तो चारों लाइनें ज्वाइन रहती हैं आपस में, ठीक है। लाइन में आपको चारों लाइन अलग अलग सेलेक्ट करना था, यहाँ पे आपको एक ही जगह पे आप सेलेक्ट करेंगे तो आपको दिखेगा कि ये टोटली सेलेक्टेड है, मतलब ज्वाइन है पूरा। एक डिफरेंस ये होता है। अब इसको क्या हम तोड़ सकते हैं? बिल्कुल तोड़ सकते हैं। इसका कमांड होता है एक्सप्लोड, ठीक है। यहाँ मॉडिफाई टूल बार में ये वाला जो कमांड है यहाँ पे, ये एक्सप्लोड, ठीक है। इसका कमांड भी है एक्स एंटर। देखिए अब ये चार पार्ट में ब्रेक हो चुका है, ठीक है। तो ये था दोस्तों पॉली लाइन। अब आते हैं सर्कल पे। सर्कल देखिए कई तरीके से बनाने का ऑप्शन हमें ऑटोकैड में दिया गया है। यहाँ अगर आप एरो पे क्लिक करेंगे सर्कल पे, ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, अगर आप इस एरिया में क्लिक करेंगे, इस वाले एरिया में, तब तो जो पुराना कमांड है वही ले लेगा, रिपीट कर लेगा। लेकिन अगर आप इस एरो पे क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारे कमांड्स इसमें दिए हुए हैं। कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6 तरीके से आप सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। तो सबसे पहले तरीके पर आते हैं। सबसे पहला टाइप है हमारा सेंटर रेडियस। आपको फर्स्ट पॉइंट मतलब सर्कल का सेंटर स्पेसिफाई करना है। मैं कहीं भी फर्स्ट पॉइंट क्लिक कर दिया और थोड़ा सा कर्सर को राइट में ला रहा हूँ, तो अब मुझे पूछ क्या रहा है? रेडियस। देखिए सेंटर से जितनी दूर आप जाएंगे, आपको रेडियस का डायमेंशन ये शो कर रहा है, 158 mm का रेडियस है। अगर मुझे 15 mm डायमीटर का सर्कल चाहिए तो मैं यहाँ 7.5 कर दूँ और एंटर कर दूँ, तो 7.5 अगर मैंने किया, यहाँ से एनोटेशन में डायमेंशन आप निकाल सकते हैं। यहाँ से अगर आप जाएंगे, ये वाला पॉइंट जो है ये डायमेंशन का पॉइंट होता है, तो यहाँ जब आप पॉइंट पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ से रेडियस का सिंबल दिखेगा। इस पर क्लिक करिए और इस सर्कल के ऊपर क्लिक करिए, बाहर कहीं क्लिक करिए, और आपको ये 7.5 का रेडियस शो कर रहा है। ये तो हो गया पहला मेथड। मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। डिलीट का कमांड आप यहाँ देख सकते हैं, ये वाला जो आइकन है ये डिलीट का है। और डिलीट आप वैसे भी कर सकते हैं कि कंट्रोल ऑल सेलेक्ट कर दिया, या जिस एरिया को आप सेलेक्ट करना चाहते हैं, और सिंपल कीबोर्ड से आप डिलीट प्रेस कर सकते हैं। अगेन मैं आता हूँ सर्कल पे। सेंटर डायमीटर, मैंने सर्कल का कमांड लिया, फर्स्ट पॉइंट स्पेसिफाई किया। अब देखिए ये जो मेरा कर्सर है ये रेडियस का डबल चल रहा है मेरे पास, और जो डायमेंशन शो कर रहा है वो डायमीटर का यहाँ शो कर रहा है। अब मुझे अगर 15 का डायमेंशन चाहिए था डायमीटर, तो मैं यहाँ 7.5 ना क्लिक करके मैं यहाँ 15 ही एंटर करूँगा। अब मैं यहाँ से रेडियस ना चेक करके डायमीटर चेक करता हूँ, तो ये 15 का डायमेंशन हो गया। इसका अगर आप रेडियस चेक करना चाहते हैं तो रेडियस अभी भी वो 7.5 ही आएगा। मतलब आपके पास दोनों ऑप्शंस हैं, इधर आप रेडियस के साथ सर्कल बनाइए और डायमीटर के साथ बना सकते हैं। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अगेन आते हैं सर्कल पे, टू पॉइंट सर्कल। टू पॉइंट होने के लिए आपके पास दो पॉइंट्स होने चाहिए। मैं कुछ पॉइंट्स को लेता हूँ, मान लीजिए कि पहली लाइन है मेरी ये और दूसरी लाइन है ये। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो पॉइंट है जहाँ से ये लाइन गुजर रही है, इस पॉइंट और इस पॉइंट के अंदर एक सर्कल बन जाए। तो मैं सिंपल जाऊंगा टू पॉइंट सर्कल पे, पहला पॉइंट मेरे पास यहाँ है, दूसरा पॉइंट यहाँ है, ये एक सर्कल बन गया। ये बेसिकली तब काम आता है जब आपके पास रेफरेंस हो दो पॉइंट्स का। आपको डायमीटर से कोई लेना देना नहीं है, रेडियस से कुछ लेना देना नहीं है, आपको सिंपल दो पॉइंट्स का रेफरेंस है, वहाँ पे आपको सर्कल ड्रॉ करना है, तो आप टू पॉइंट सर्कल ले सकते हैं। अब आते हैं थ्री पॉइंट सर्कल पे। अभी मेरे पास एक लाइन ये थी, एक लाइन ये थी, और मेरे पास एक लाइन कहीं बाहर मान लेते हैं यहाँ पे। अब क्या इन तीनों पॉइंट पे टच करते हुए मैं सर्कल बना सकता हूँ? बिल्कुल बना सकता हूँ। मैं थ्री पॉइंट सर्कल लूँगा, मैं पहला पॉइंट यहाँ दे दिया, दूसरा पॉइंट यहाँ दे दिया, और तीसरा पॉइंट जब देना हुआ तो मैं यहाँ पे दे दिया। तो ये आपको थ्री पॉइंट सर्कल मिल गया जब आपके पास तीन लाइनें अवेलेबल थी, आपको वहाँ टच करना था। अब आ जाते हैं टेंजेंट टेंजेंट रेडियस पर। देखिए उसके लिए एक लाइन ये होनी चाहिए और एक लाइन, मान लीजिए मैं ऐसे थोड़ा सा टेपर कर देता हूँ,
टेंजेंट टेंजेंट रेडियस, मैं थोड़ा सा डायमेंशन यहाँ का लेके देख लेता हूँ कितना डायमेंशन है यहाँ से यहाँ, 9 mm, ठीक है। तो टेंजेंट टेंजेंट रेडियस, मैंने कमांड लिया टेंजेंट इसके रेडियस हम देते हैं 5 का, ठीक है। ये लाइन अभी इस पर टच नहीं हो रही है, मैं इसको एक्सटेंड करूँ ई एक्स से, ये देखिए। तो इसके टेंजेंट है, इसके टेंजेंट है, ठीक है, और जो रेडियस हमने 5 का दिया था वो ये रेडियस है। ये सेम चीज़ हो सकता है अगर परपेंडिकुलर लाइन हो तो, जैसे एक लाइन हमने ड्रॉ किया स्ट्रेट वर्टिकल एंड एक हॉरिजॉन्टल। अब मुझे टेंजेंट टेंजेंट रेडियस, इस लाइन पे टेंजेंट, इस लाइन पे टेंजेंट और 10 mm का रेडियस, देखिए यहाँ पे अगर आप रेडियस चेक करेंगे तो 10 mm का रेडियस, इस लाइन के टेंजेंट, इस लाइन के टेंजेंट। आई होप ये कमांड क्लियर हो गया होगा आपको। फिर आते हैं दोस्तों टेंजेंट 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 पे, उसके लिए मेरे पास 3 लाइनें होनी चाहिए। पहली लाइन मैं स्ट्रेट रखता हूँ, फिर आप लोगों के लिए मैं F8 और तो कर लेता हूँ ऑफ, दूसरा लाइन कुछ ऐसे करता हूँ एंड तीसरा लाइन में कुछ ऐसे करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि इन तीनों लाइंस को टेंजेंट करते हुए एक सर्कल बन जाए जो भी डायमेंशन आ रही हो। तो मुझे सिंपल जाना है टेंजेंट 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 पे, इसके टेंजेंट और इस लाइन के टेंजेंट, जो भी डायमेंशन बन रहा हो। हमारे पास 3 टेंजेंट्स थे, हमने उसके अंदर एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। तो ये तो मेथड्स हैं सर्कल ड्रॉ करने के। अब आते हैं आर्क पे। आर्क हमारे पास दिया हुआ है कितने टाइप से, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 तरीके से आर्क हम ड्रॉ कर सकते हैं ऑटोकैड, जिसमें से सबसे पहली बार आते हैं 3-point arc। 3-point arc मतलब क्या हुआ, जैसे मैं एक लाइन ले लेता हूँ यहाँ पे, एक लाइन ले लेता हूँ यहाँ पे और एक लाइन ले लेता हूँ यहाँ पे। अब मैं कहता हूँ इस लाइन से इस लाइन को टच करते हुए इस लाइन पे टच कर जाए पॉइंट्स पे, एक आर्क चाहिए मुझे। तो मैं सिंपल जाऊंगा 3-point arc में, मैंने पहला पॉइंट सेलेक्ट किया, दूसरा पॉइंट सेलेक्ट किया एंड तीसरा पॉइंट सेलेक्ट कर दिया, एक आर्क बन गया, 3-point arc है। विदाउट एनी रेफरेंस अगर आप देखना चाहें तो स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट, आप फ्री हैंड भी बना सकते हैं। ये हो गया 3-point arc। दूसरा आते हैं स्टार्ट एंड और स्टार्ट सेंटर और एंड। स्टार्ट करना है हमें, अब देखो सबसे पहले ले लेते हैं इस कमांड को, स्टार्ट करना है, ठीक। फर्स्ट पॉइंट मैंने स्टार्ट कर दिया, फिर हमने देना है सेंटर। लेट सपोज मैं 50 mm कर देता हूँ, ये पॉइंट हो गया इसका सेंटर, ठीक। अब आपको एंड करना है, मान लो 90 डिग्री पे एंड करना है, तो 90 हो गया ये। जिस भी डिग्री पे आप ले जाके इस आर्क को फिनिश करोगे, मान लीजिए यहाँ 90 पे मैं फिनिश कर देता हूँ, ये एक बन जाएगा। इसका हमने डायमीटर दिया था वो 50 का रेडियस दिया था, तो 100 का डायमीटर बन गया। एक बार और कमांड देख लेते हैं, स्टार्ट सेंटर और एंड, फ्री हैंड देख लेते हैं। स्टार्ट किया मैंने, आपके पास डायमेंशन है तो ठीक है, नहीं तो मान लीजिए सेंटर आप यहाँ से शुरू करिए, मैंने अभी स्ट्रेट लिया था, ये सेंटर मान लीजिए। अब जितनी डिस्टेंस पे आप जाएंगे इसको, जहाँ भी रोटेशन आपको लग रहा है करना है, आप यहाँ से इसको क्लोज कर सकते हैं। ये काम तब आता है जब हमें एक एंगल स्पेसिफाई रहता है कि इस एंगल तक आर्क को कट कर देना है। फिर आते हैं स्टार्ट सेंटर और एंगल। हमने स्टार्ट किया, सेंटर हमने दे दिया मान लो 50 mm पे, ठीक। अब ये पूछेगा एंगल, मान लो मैं इसको दे देता हूँ 135 डिग्री, तो ये 135 डिग्री पे ऐसे कट हो जाएगा। इसको भी अगर आप फ्री हैंड बनाना चाहते हैं, स्टार्ट आपने, सेंटर मैंने यहाँ दे दिया, और जितने डिग्री पे आपको एंगल देना है वो एंगल आप डिसाइड कर सकते हैं, 90 देना 90 कर दीजिए। तो अगर आप देखेंगे यहाँ से एक लाइन, अगर सेंटर से आप इसको ओपन करके देखेंगे तो ये डिग्री 90 डिग्री का एक एंगल क्रिएट करेगा। तो ये तो हो गया दूसरा ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन है स्टार्ट सेंटर और लेंथ। आपने स्टार्ट किया, आप एक सेंटर दे दो और लेंथ, मान लो मैं 120 mm लेंथ देता हूँ, तो ये 120 mm लेंथ का आर्क बन जाएगा। अगर अलाइन डायमेंशन आपने चेक करनी है, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं, ऐसे 120 mm लेंथ का ये आर्क बन जाएगा। अब आपके पास है स्टार्ट एंड एंड एंगल, आपको स्टार्ट करना है, यहाँ आपने एंड कर दिया। अब किस टाइप से आपको एंगल रखना है, ये देखिए एंगल 71 डिग्री, 74 डिग्री, 75 डिग्री, जितने डिग्री एंगल पे आपको चाहिए उस स्टार्ट पॉइंट के अगेंस्ट। ध्यान दीजिएगा, देखिए आपने फर्स्ट पॉइंट स्पेसिफाई किया यहाँ, आप सेंटर आपने दिया यहाँ, अब इस सेंटर से कितने डिग्री एंगल पे आप जा रहे हो, देखो 50, 68 डिग्री, 70 डिग्री, 82 डिग्री। अब ये बीच में अगर उस हॉरिजॉन्टल लाइन और जो लाइन मैं अभी मूव कर रहा हूँ येलो वाला, दोनों के बीच में जो डिग्री है वो चेंज हो रही है। देखो ये डिग्री है, मान लो 135 चाहिए था तो ये 135 डिग्री पे बन गया। ये हो गया एंगल कमांड जब आपको मालूम होता है तब। फिर आते हैं स्टार्ट एंड एंड डायरेक्शन है।
स्टार्ट आपने किया यहाँ से, एंड आपने किया इधर, डायरेक्शन क्या है, आप ऊपर जाओगे तो ऊपर एक बन जाएगा आर्क, नीचे आओगे तो नीचे बन जाएगा, जिस साइड आप डायरेक्शन को ले जाओगे आर्क बनना शुरू हो जाएगा, ऊपर गए ऊपर, इधर गए इधर। अगर यही आप वर्टिकली बनाते हैं, ये वर्टिकली आप लेफ्ट आते तो लेफ्ट बनता, राइट आते तो राइट बनता। ये हो गया स्टार्ट एंड एंड डायरेक्शन के साथ। अब आते हैं स्टार्ट एंड एंड रेडियस। स्टार्ट हमने किया यहाँ से, एंड हमने दे दिया लेट सपोज 100 mm पे। अब रेडियस मुझे चाहिए कितने का, मान लो 75 डिग्री रेडियस चाहिए mm का, 75 कर दिया मैंने। अब आप इसका अगर डायमेंशन चेक करना चाहें तो यहाँ से यहाँ तक आप देख सकते हैं 100 होगा। आप इसका रेडियस चेक करना चाहेंगे तो 75 होगा। ये हो गया। नेक्स्ट कमांड पे आते हैं, स्टार्ट सेंटर और एंड कितने पे करना है, ठीक है। तो स्टार्ट कर लिया मैंने, एक मैंने सेंटर ले लिया, अब मुझे एंड कहाँ करना है। मैं इसको ऐसे घुमाते हुए एंगल पे ले जाऊँगा, लेट सपोज 90 पे करना था या 180 पे करना था, मान लो 165 पे करना था तो 165 मैंने एंटर कर दिया। तो ये कमांड हो गया। नेक्स्ट आर्क आते हैं, सेंटर, स्टार्ट और एंगल। सबसे पहले आपको सेंटर डिसाइड कर लेना है। अब आप स्टार्ट पॉइंट पे चले जाओगे, अब आपको एंगल डिसाइड कर लेना है। एंगल जितना भी आपको देना है, मान लो कितना 90 मान लेते हैं, 90 कर लिया, एंटर कर लिया। तो ये कमांड हो गया। नेक्स्ट आते हैं सेंटर, स्टार्ट और लेंथ। अब यहाँ पे आपको सेंटर दे दिया, स्टार्ट पॉइंट मान लीजिए यहाँ पे है, लेंथ मान लीजिए आपको देना है 100 mm का। तो वही अगेन मैं अगर यहाँ से मेज़र करके आपको दिखाऊं तो 100 mm की आपकी आर्क लेंथ बन गई है, और रेडियस आपको जो मिलेगा वो मिलेगा ही, इसका कोई वो हमने डायमेंशन डाला नहीं था क्योंकि स्टार्ट था, सेंटर था और आर्क की लेंथ हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। कस्टमाइज है तो कस्टमाइज करके आप कैसे भी बना सकते हो, 3-point आर्क लेके बना सकते हो, जैसे भी बना सकते हो। तो ये आर्क था बेसिकली। दोस्तों है क्या, आर्क जो इतने टाइप से दिया हुआ है, इसका ज़्यादातर यूज़ हम क्या करते हैं, जब ड्राफ्टिंग करते हैं ना, हमारे पास रेफरेंस रहता है आर्किटेक्चरल ड्राइंग में, या कोई फसाद ड्राइंग बना रहे होते हैं तो इन सब आर्क का यूज़ पड़ता है। लेकिन ज़्यादातर जो मैकेनिकल केस में हम बनाते हैं, वो तो सर्कल का यूज़ कर लेते हैं या फिर 3-point आर्क का यूज़ करते हैं, इन सब का यूज़ थोड़ा सा कम पड़ता है। आपको तीन तरीके से दिया था, स्टार्ट और सेंटर के साथ दिया था, स्टार्ट और एंड के साथ दिया था, सेंटर और स्टार्ट के साथ दिया था। मतलब आपको तीनों पॉइंट्स में से जो भी पॉइंट, दो पॉइंट्स पता हो उनके साथ आप रेडियस बना सकते हो। इधर आपको एंगल पता हो या डायरेक्शन पता हो या रेडियस पता हो या फिर रेडियस की लेंथ मालूम हो। तो आई होप आपको ये आर्क का कमांड समझ में आ गया होगा। अब आते हैं रेक्टेंगल। ये रहा रेक्टेंगल का, ठीक है। रेक्टेंगल पे आप जाएंगे तो आपको पॉलीगन एंड रेक्टेंगल दोनों कमांड्स यहीं मिलेंगे। तो अभी हम रेक्टेंगल पे आते हैं। रेक्टेंगल पे क्लिक किया हमने, फर्स्ट कॉर्नर आपको स्पेसिफाई करना है। मैंने फर्स्ट कॉर्नर स्पेसिफाई किया और मैं कर्सर को राइट में ले जाता हूँ। अब ये नीचे जो कमांड लाइन है दोस्तों, अगर आप लोग देखोगे यहाँ पे नीचे जो कमांड लाइन है, इसको कमांड लाइन बोलते हैं यहाँ पे। तो इस कमांड लाइन में आपको तीन डायमेंशन शो कर रही हैं, पहला है एरिया, दूसरा है डायमेंशन, तीसरा है रोटेशन। तो अभी हम लेके चलते हैं डायमेंशन। डायमेंशन में देखेंगे डी आपको ब्लू कलर का दिख रहा होगा, इट मीन्स कि अगर आपको डायमेंशन पता है तो आपको डी एंटर करना है। अब आपको लेंथ पूछ रहा है, लेट सपोज हमारे पास 300x300 का कोई प्लेट है, तो सबसे पहले आपको लेंथ पुट करना होगा। मैंने यहाँ पे डाला 300, अगेन आ गया। आपको विड्थ कितना चाहिए, मैंने यहाँ पे पुट किया 300। फिर मैं माउस को, कर्सर को कहीं क्लिक कर दूंगा, डबल क्लिक करूंगा स्क्रॉल बटन को तो ऐसे जूम आउट हो जाता है, फिट टू स्क्रीन हो जाता है ये। अब मैं यहाँ से अगर लीनियर डायमेंशन चेक करूंगा तो इसका डायमेंशन 300x300 होना चाहिए। ये हो गया दोस्तों 300x300। एक तो ये हो गया तरीका कि आपको डायमेंशन मालूम था। दूसरा आते हैं कि फर्स्ट पॉइंट मैंने स्पेसिफाई किया, अब मुझे एरिया मालूम है तो मैं ए प्रेस करूंगा एंड एंटर। ठीक, मान लीजिए कि आपके पास 1000 square mm का एरिया है, तो मैं यहाँ 1000 एंटर कर देता हूँ, ये मेरे पास एरिया हो गया। अब एरिया पता हो गया तो लेंथ या विड्थ दोनों में से आपको एक चीज़ डिसाइड करना है। तो जैसे 50 × 20 हो गया 1000, ठीक है, मतलब 50 की लेंथ रखूँ 50 mm की और 20 mm की उसकी विड्थ रखूँ तो 1000 square mm हो गया। और हमने 1000 square mm का एक रेक्टेंगल चूज़ कर लिया, मैं यहाँ पे लेंथ दे देता हूँ 50, ठीक है, एंटर। अब ये एक रेक्टेंगल क्रिएट हो गया। अगर मैं इस रेक्टेंगल पे क्लिक करूँ, राइट क्लिक करूँ और प्रॉपर्टीज़ में जाऊँ, और यहाँ पे अगर आप आएंगे स्क्रॉल डाउन करूँ तो यहाँ आपको एरिया दिख जाएगा दोस्तों, 1000 लिखा हुआ है। 1000 हमने एरिया लिया था,
अब हम इसकी डायमेंशन चेक करते हैं, लेंथ में हमने 50 लिया था, ठीक। तो ये जो इसकी विड्थ है, ये एरिया से डिवाइड करके इसकी विड्थ खुद बना देगा। रेक्टेंगल का जो कमांड है वो आर ई सी होता है, इसको आप एंटर करेंगे। अब आपके पास आता है ऑप्शन, पहले ही ऑप्शन क्या आता है, अगर आप थोड़ा सा डाउन जाएंगे यहाँ पे, अगर आप यहाँ देखेंगे तो आपके पास 5 ऑप्शंस। एलिवेशन का यूज़ तो 3D में करेंगे, थिकनेस भी दे सकते हो, विड्थ भी दे सकते हो। अभी हम बात करें अगर चैम्फर और फिलेट की, तो ये हम पहले भी लगा सकते हैं। जैसे हम आर ई सी एंटर लेते हैं, एक मान लो 200x200 mm का हम एक रेक्टेंगल बनाते हैं। तो हम फिलेट और चैम्फर क्या देते थे पहले, मान लो फिलेट देना हो तो हम एंटर करते हैं एफ एंटर, ठीक है। अब हम देते हैं रेडियस, रेडियस के लिए हम करते हैं आर एंटर, मान लो 10 mm दे दिया हमने, तो फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट ये रेडियस लग जाता है। बाद में सी एच ए एंटर करेंगे, फिर डी एंटर करेंगे 10 mm लेंथ में, 10 mm विड्थ में, फर्स्ट पॉइंट एंड सेकंड पॉइंट, ये चैम्फर लगता है बाद में। अब रेक्टेंगल कहता है कि प्री डिफाइंड अगर है तो आप इन सब चीज़ों को पहले कर सकते हो। वो कैसे, हमने लेना है आर ई सी एंटर, आपको लेना है यहाँ से देखिए कमांड के नीचे दिया है एफ, तो आप पहले ही फिलेट डाल दीजिए एफ एंटर, रेडियस डाल दीजिए आप 10 mm का एंटर, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट स्पेसिफाई करिए, सेकंड पॉइंट करने के लिए आप मान लीजिए 200x200 mm का डायमेंशन बना दिया आपने, ठीक। अब देखिए इस रेक्टेंगल के कॉर्नर्स जो हैं वो ऑलरेडी फिलेट होके आए हैं, अगर आप इसका रेडियस चेक करेंगे तो ये 10 mm का रेडियस बन चुका है। अब इसमें आपको ध्यान देने वाली बात एक और है कि मान लीजिए आपने फिर रेक्टेंगल लिया, आर ई सी एंटर किया, और आप बनाने जा रहे हैं 200x200, आपने वो फिलेट कमांड लिया भी नहीं था, तब भी वो कमांड रिपीट हो जाएगा। देखिए रेक्टेंगल में रेडियस लगा ही हुआ है, तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। फिर आप आर ई सी एंटर करेंगे तो आपको वो ज़ीरो करना पड़ेगा, फिलेट एंटर ज़ीरो एंटर। अब आप कोई डायमेंशन का वो बनाएंगे रेक्टेंगल, तो यहाँ पे वो फिलेट नहीं आएगा। सेम चीज़ काम करती है आर ई सी एंटर चैम्फर में, सी एच ए, ठीक है। डायमीटर 10x10 का मैं बना लेता हूँ और एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर देता हूँ। देखिए आपको बाद में चैम्फर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, यहाँ पे चैम्फर ऑलरेडी लगा लगाया आ रहा है। फिर है दोस्तों पॉलीगन का कमांड। पॉलीगन क्या होता है, जब रेक्टेंगल से ज़्यादा उसकी भुजाएँ हो जाती हैं, साइड्स हो जाते हैं, तो उस केस में हम उसको पॉलीगन बोलते हैं। जैसे ही आप कमांड लेंगे आपको फेसेस डिसाइड करने पड़ेंगे कि कितने साइड्स हैं। 4 है तो रेक्टेंगल बनेगा, मैं 5 अगर लेता हूँ, एंटर कर देता हूँ, फर्स्ट पॉइंट स्पेसिफाई करता हूँ। अब ये बोलता है इंस्क्राइब्ड इन सर्कल या अबाउट सर्कल। इंस्क्राइब्ड इन सर्कल का मतलब है एक पॉलीगन आप बना रहे हो जिसके अंदर वो एक सर्कल को ड्रॉ करना है, ठीक है, उसका डायमेंशन आपको देना पड़ेगा। मैं करके दिखाता हूँ, इंस्क्राइब्ड इन सर्कल लेता हूँ और मैं उस सर्कल का डायमेंशन डाल देता हूँ, कितना, मैं रेडियस डाल देता हूँ 250 mm, ठीक है। अब अगर आप देखोगे मैं एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ, इसके सेंटर से लेके हमने लिया है इंस्क्राइब्ड इन सर्कल, तो एक हमने इंस्क्राइब्ड इन सर्कल लिया है तो सर्कल के अंदर वो पॉलीगन बन रहा है, और सर्कल का डायमीटर हमने दिया था कितना, 500, ये 500 हमने लिया था। सेम आते हैं पॉलीगन पे, हमने सेंटर सेलेक्ट किया, एजेज हम लेते हैं 6 ले लिया हमने, सेंटर सेलेक्ट किया, सर्कमस्क्राइब्ड अबाउट सर्कल कर देते हैं, तो अब ये पॉइंट अब हम डाल देते हैं कितना, 250 mm। तो यहाँ पे जो मैं सर्कल बनाऊंगा ये मैं इसके अबाउट बनाऊंगा, और इसका मैं डायमेंशन लेके दिखाता हूँ आपको, अंदर अंदर 500 mm। इंस्क्राइब्ड में क्या है, पॉलीगन सर्कल के अंदर बनेगा जो डायमेंशन आप दोगे सर्कल को। अबाउट में क्या है, पॉलीगन सर्कल के बाहर टेंजेंट होके बनेगा। आई थिंक आपको इन दोनों कमांड्स के बीच में डिफरेंस पता चल गया होगा। और पॉलीगन है तो नंबर ऑफ फेसेस आप जितने मर्जी उतने बना सकते हो, 7, 8, 9, 10 जितने भी आपको बनाने हैं। इलिप्स पे आ जाते हैं दोस्तों, इलिप्स में आपको दिया है सेंटर से आपको लेंथ दे देना है, फिर हाइट दे देना है, ठीक। ये तो हो गया फ्री हैंड। फिर आते हैं डायमेंशन से, आपने फर्स्ट पॉइंट सेलेक्ट किया, सेंटर आपको मान लो 200 mm, सेंटर से लेंथ पता है 200, ठीक। और हाइट में आ जाते हैं, हाइट में मैं दे देता हूँ 50 mm। तो अब आपने 100 और 50 का दिया है तो ये 200x100 का बनना चाहिए, ठीक है। 200 हमने दिया था तो 400 का बन गया, और 50 हमने दिया था तो ये 100 का हो गया। इस तरीके से सेंटर इलिप्स बनाने का कमांड हमारा दिया हुआ है। दूसरा देखते हैं एक्सिस और एंड करने का दिया है। देखिए एक मान लीजिए आपके पास एक्सिस है ये, ठीक,
अब इसको एंड करना है आपको इस तरीके से, मतलब एक्सिस मतलब फर्स्ट पॉइंट और एंड पॉइंट दोनों पता है और आपको सेंटर से एक रेडियस पता है। फिर से करके दिखा देता हूँ आपको। मान लीजिए फर्स्ट पॉइंट है, अब 500 mm दूर तक ही वो आपको बनाना है, इसमें डबल नहीं होगा, 500 हो गया। हाइट में रख देता हूँ 50 mm, तो आपका 500 लेंथ 500 ही बनेगा और जो हाइट है 50 का हमने लिया था तो ये 100 का बनेगा। तो ये हो गया दूसरा मेथड। तीसरा मेथड इलिप्स बनाने का है कि एक आर की तरह इलिप्स को बना सकते हैं। हमने सेंटर पॉइंट सेलेक्ट किया और एक एंड पॉइंट सेलेक्ट करेंगे और जिस डायमेंशन पे हम जाके क्लिक कर देंगे वहां तक इसकी हाइट हो गई। अब जितना काटना होगा ना वो काटते चले जाएंगे, जैसे यहाँ क्लिक किया मैंने, आधा कट गया, ठीक। और क्लिक करना है तो F8 ऑर्थो ऑन कर लो और जितने डिस्टेंस तक आपको जाना है कट करने, इसको मान लो यहाँ कट करना है, ऐसे कट। ये सब चीज़ें आप डायमेंशनली भी कर सकते हो। तो ये तीन तरीके से दिया था इलिप्स बनाने का। हैच की बात करते हैं दोस्तों, तो हैच दिया हुआ है। सबसे पहले हैच होता क्या है, इसमें आप कलरिंग कर सकते हो, बाउंड्री बना सकते हो, कलर्ड कर सकते हो, ये सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं। मैं एक आपको करके दिखाता हूँ। एक मान लो मैंने ये रेक्टेंगल ले लिया, इसके अंदर मैंने कुछ सर्कल बना दिए। अब मैं चाहता हूँ ये जो रेक्टेंगल है ना ये थोड़ा सा कलरफुल लगे, तो मैं यहाँ से जाऊँगा हैच में। हैच का कमांड होता है यच एंटर। यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट और पिक दो ऑप्शंस हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे एक ऑप्शन है ये पिक, दूसरा ऑप्शन है ये सेलेक्ट। दोनों में डिफरेंस क्या है वो देखते हैं। सेलेक्ट करने के लिए आपको एक आउटर सेलेक्ट करना है, वो सेलेक्ट हो गया, ये पूरा कवर कर लिया सेलेक्ट करके, जिसमें सर्कल आप देख रहे हैं कि वो विजिबल नहीं लग रहा है, उसमें छिप गया। मुझे ये दिखाना है कि सर्कल इसमें से कट हो चुका है, तो फिर मैं एच इंटर किया, मैंने हैच लिया। पिक पॉइंट अगर करता हूँ फिर इस बाउंड्री के अंदर मैंने क्लिक कर दिया और क्लोज हैच कर दिया, तो देखिए ये लग रहा है कि ये सर्कल इसमें से कटआउट हुआ है। तो आई थिंक आपको ये पता चल गया कि हैच में ये सेलेक्ट और पिक क्या है। इसी में एक और ऑप्शन मैं आपको बता देता हूँ, ये आ गया। अब ये तो हैच हो गया, हैच में मैंने सपोज करो पिक करना था तो ये एक बाउंड्री साइड में आ गई, तो इसलिए इतना ही पिक हो रहा है। बाहर में जाऊँगा पिक करने तो इतना ही पिक होगा, अंदर में पिक करूँगा तो ये वाला पोर्सन पिक होगा। तो ये पिक करने के लिए जो एक बाउंड्री होती है ना उसी बाउंड्री के अंदर ये पिक कर पाता है। सेलेक्ट में क्या है, सेलेक्ट भी एक पूरी बाउंड्री को सेलेक्ट करता है, जैसे ये है, ये इसको सेलेक्ट कर लिया, इसको सेलेक्ट करूंगा तो ये पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। अब इसमें कलरिंग का ऑप्शन है, मान लो मैं अभी ये पिक कर लेता हूँ इनर पोर्सन। यहाँ से मैं हैच के जो बहुत सारे टाइप्स हैं, यहाँ से अगर आप डाउन करके देखेंगे तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हैचिंग है ना, एयर कॉन्क्रीट है, ब्रिक है, बहुत सारे अंसी से रिलेटेड दिए हुए हैं, बॉक्स का है, ब्रास का है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की हैचिंग यहाँ पे दी हुई है, आप लोग देख सकते हैं, है ना। और जिसको जैसा यूज़ होता है वो अपना यूज़ करता है। तो मान लो मैं अभी सिंपल एक ऐसे हैचिंग ले लेता हूँ कोई नॉर्मल, ये मान लो मैंने ब्रिक टाइप का ले लिया। अब आप देख रहे हो कि इसमें स्केल बहुत कम है, ये ब्रिक बहुत छोटा छोटा बना हुआ है, तो इसकी स्केल आप बढ़ा सकते हो यहाँ से। ये जगह आप देख सकते हो, यहाँ से आप इसका स्केल बढ़ा सकते। अब आपको यहाँ स्केल 10 कर देना है, तो देखिए ये काफ़ी बड़ा हैचिंग का स्केल हो चुका है। कलर चेंज करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो, ये रहा कलर चेंज करने का यहाँ पे, ठीक। यहाँ पे मैं गया और इसको रेड कलर का कर दिया। अब आते हैं कि इसकी हैच की ट्रांसपेरेंसी कम होती है कि नहीं, यहाँ से आप इसकी ट्रांसपेरेंसी भी हैच की कम ज़्यादा कर सकते हो। अब आते हैं कि बाउंड्री तो हो गई जी, बाउंड्री को सेलेक्ट करना है और हैच को सेलेक्ट करना है एक एरिया को। अब ये तो हो गया सिंगल कलर का, अब मैं अगर डबल कलर में आऊँ तो ग्रेडियंट लेता हूँ। मैंने इसको सेलेक्ट किया, ग्रेडियंट में क्या है दो कलर मिक्स करके आप ले सकते हैं, टाइप आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए बीच में एक कलर और साइड साइड में दो कलर चाहिए सिंगल का। देखिए येलो कलर है, येलो कलर को आपको अगर रेड करना है रेड कर दीजिए, ब्लू कलर को आपको येलो करना है येलो कर दीजिए। इसका टाइप आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं कि किस तरीके से चाहिए। ये हो गया ग्रेडियंट का सिस्टम। तो हैच और ग्रेडियंट में ये था, हैच में सिंगल कलर होता है, ग्रेडियंट में डबल कलर होता है। सिलेक्शन और पिक करना आप सीख गए। अब आते हैं बाउंड्री पे। बाउंड्री दोस्तों क्या है, देखिए बाउंड्री गए, पिक पॉइंट मैंने किया और मैंने इस जगह को एक बाउंड्री बना दिया। मैं एंटर कर देता हूँ तो मैं अगर इसको क्लिक करूँगा तो देखो ये एक बाउंड्री बन चुका है। अभी तक क्या था देखिए, अब मैं करके दिखाता हूँ आपको। हैच में गया मैं, यहाँ से मैंने सेलेक्ट किया और ये बाउंड्री मैंने सेलेक्ट कर दी तो इतना हैच हो गया। लेकिन जब तक मैंने बाउंड्री नहीं बनाई थी, अब मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ अगर हैच को, तो ये पूरा एक हैच सेलेक्ट हो रहा था जो पूरा रेक्टेंगल था। लेकिन जब हमने इसको एक बाउंड्री दे दिया कि मैं इस पॉइंट को पिक करके इसको एक बाउंड्री बना देता हूँ,
अब मैं इसको हैच करता हूँ, अब इसकी बाउंड्री सेलेक्ट करते हैं अगर, तो ये उसी बाउंड्री को बस हैच कर रहा है। तो ये हैच, बाउंड्री और ग्रेडियंट, इन तीनों में ये डिफरेंस है। और बाकी चीज़ें हम डेप्थ में, इन डेप्थ प्रैक्टिकली जब हम ड्राइंग को बना रहे होंगे तब और अच्छे से सीखेंगे। लेकिन मेरा पर्पज़ अभी ये है कि एटलीस्ट ऑटोकैड सीखने से पहले सारे कमांड्स आपको पता होने चाहिए, उनका पर्पज़ पता होना चाहिए, उनमें कैसे चेंजेस करते हैं वो पता होना चाहिए। बाकी प्रैक्टिकल वीडियोस मैं जब ड्राइंग बना रहा हूँगा तब भी आपको एक एक कमांड अच्छे से सिखाता रहूँगा। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मॉडिफाई टूल बार के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।